हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का भी हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग मैजिक स्क्वायर बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें बोल रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर में द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। देखो, हम लोग को पहले कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है और डायगोनल कौन सा है, पहले इसको जानना पड़ेगा। देखो, स्क्वायर में रो किसको बोलेंगे, जो लाइन है ना, ये वाला लाइन। ठीक है, ऐसा लेटी हुई लाइन को हम लोग रो बोलेंगे, फिर ऐसे खड़ी लाइन को हम लोग कॉलम बोलेंगे, और डायगोनल ये बिंदी से ये बिंदी तक, ये बिंदी से ये बिंदी तक। ठीक है, जो कोना कोना को जोड़ता है ना, उसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। तो इसमें आप लोगों को बताना होगा कि ये जो रो, 3 रो है, 3 कॉलम है और 2 डायगोनल मिलेगा आप लोगों को, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। प्लस कर करके देखेंगे, अगर सेम आया, ठीक है, सबका जो सम है वो सेम आएगा, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस करना। ओके, देखो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसमें दिया हुआ है अलोंग द फर्स्ट रो। ठीक है, अलोंग द फर्स्ट रो, फिर अलोंग द सेकंड रो। ओके, 3 रो का पहले कर लेते हैं। ओके, अलोंग द थर्ड रो। ओके, तो देखो पहले कौन कौन सा है, 4 बाय 11, 9 बाय, देखो इसमें दिया है, आप लोगों को पहले दिखा दे रही हूँ। यहाँ दिया हुआ है 4 बाय 11, 9 बाय 11, 2 बाय 11। ओके, तो 4, 9 और 2 फर्स्ट में दिया हुआ है 4 बाय 11 प्लस 9 बाय 11 प्लस 2 बाय 11। ओके, 2 बाय 11, देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग पहले ऊपर का बस प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर 11 का 11 ही रहेगा। ठीक है, 9 4 13 13 2 15, यानी कि जो हम लोग का फर्स्ट रो का है 15 बाय 11 आया है। देखते हैं सेकंड और थर्ड में कितना आता है। सेकंड में है 3 बाय 11, 5 बाय 11, 7 बाय 11, 3 बाय 11, 5 बाय 11 प्लस 7 बाय 11। ओके, तो 3 5 8 हो गया, 8 7 15, देखो इसमें भी 15 आ गया। ठीक है, अब थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड में 8 1 और 6 है, 8 बाय 11, 1 बाय 11 प्लस 6 बाय 11, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 बाय 11। ठीक है, तो हम लोग को तो ये पता चल गया कि रो का जो प्लस था, सम था, वो सेम हुआ है। अब देखते हैं कॉलम में कितना आएगा। ओके, कॉलम में दिया हुआ है 4 बाय 11, एक मिनट, 4 बाय 11, 3 बाय 11, 8 बाय 11, ये आ जाएगा कॉलम में। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखोगे अलोंग द फर्स्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट है अलोंग द सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला 4 3 और 8 है, 4 बाय 11 प्लस 3 बाय 11 प्लस 8 बाय 11, 4 और 3 7, 7 और 8 15। तो इसमें भी देखो और एक 15 बाय 11 आ गया। नेक्स्ट सेकंड कॉलम का देखते हैं, होप सम आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड कॉलम में कितना आ रहा है। सेकंड कॉलम में है 9 5 और 1। ओके, 9 बाय 11 प्लस 5 बाय 11 प्लस 1 बाय 11, 9 और 5 14, 14 और 1 15 बाय 11, ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड में है 2 7 और 6, थर्ड कॉलम, टू
बाय 11 प्लस 7 बाय 11 प्लस 6 बाय 11 2 और 7 9 9 और 6 15। देखो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम लोग का सेम आया है, मतलब रो और कॉलम में सेम आया है। अब चेक करना है डायगोनल में, ठीक है। तो लिखेंगे अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल, ओके। डायगोनल में कितना आएगा, 4 5 और 6 आएगा, 4 बाय 11 प्लस 5 बाय 11 प्लस 6 बाय 11 4 5 9 9 और 6 15 बाय 11। ये तो हो गया फर्स्ट डायगोनल का। सेकंड में देखते हैं हम लोग, 8 5 पर 3 मिलेगा हम लोग को, 8 बाय 11 5 बाय 11 3 बाय 11 8 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 बाय है ना, 2 बाय 11 8 और 5 13 13 और 2 15 बाय 11। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता चल गया कि ये जो रो का था, ठीक है, कॉलम का था और डायगोनल का था, ये पूरा 15 बाय 11 ही आया है हम लोग का आंसर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये जो स्क्वायर दिया हुआ था हम लोग को, तो इसको हम लोग लिखेंगे इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, तो लिखेंगे यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग अभी तक नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल के जो बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना, और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर लेना, ठीक है। और पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स।